अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियलिटी वीडियो चैनल मोहम्मद अशरफ के साथ। आज बिल्कुल न्यू आइडिया पे डिस्कशन करेंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग इन पाकिस्तान। नाज़रीन, ड्रैगन फ्रूट बिला शुबा बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल ही ये न्यू नेम है। ये पाकिस्तान में कह लें कि न्यू आइडिया हम बिल्ड करने जा रहे हैं। पहले इसके बारे में कह लें कि पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, या कि इसकी फार्मिंग अभी उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बस थोड़ा सा कह लें कि टच देंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे, ठीक है ना। ये ड्रैगन फ्रूट कैक्टस की ही एक कह लें कि फैमिली से इसका ताल्लुक़ होता है, लेकिन कुछ कैक्टस हमारे पाकिस्तान में जो पाए जाते हैं वो जंगली कैक्टस को हम कह सकते हैं, वो फ्रूट नहीं देते, ठीक है ना। तो इस पे फ्रूट आता है, इसका फ्रूट भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, उसके वीडियो में उसकी पिक्चर्स मैं लगा दूंगा। तो ये जो नज़र आ रहे हैं पॉट्स में, गमलों में, ये सीड से हमने इसको कह लें कि जर्मिनेशन इसकी करवाई है, या इसके पौधे हम ग्रो कर रहे हैं। ये मलेशिया से हमने मंगवाया था, फ्रूट मंगवाया था, ठीक है ना। तो इसकी कह लें कि तकरीबन एज अभी 5 मंथ या 6 मंथ नियर अबाउट है। तो इसकी ग्रोथ ना बहुत ही स्लो है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्लो है, ठीक है। तो अभी इसको हम इंशाल्लाह ग्राफ्ट करेंगे, और फिर इसको कह लें कि जो फ्रूट है वो तकरीबन 15 से 16 मंथ में आएगा, वरना जी तो ये फ्रूट तकरीबन 5-6 साल भी लगा देता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट के छोटे छोटे कह लें कि बेबी प्लांट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं ड्रैगन फ्रूट के, ठीक है, इसके कौन सी फ़ादियत क्या है तिब्बी लिहाज से, उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन जारी रखेंगे। और फार्मिंग इसकी कैसे करनी है पूरी ट्रेल के साथ, इन पे भी इंशाल्लाह वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। आज छोटा सा एक व्यू दिया है कि ये बहुत बड़ा यानी कि एक आइडिया है पाकिस्तान में, तो आज छोटा सा आपको हम एक विज़िट करवा रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, या हल्का सा उसका। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको कह लें कि शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्लीज़, और इसको लाइक भी करें, ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।